बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीरी फूड सीक्रेट एक बार फिर लाया है आपके लिए एक और न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू और चावलों के पकोड़े। जो व्यूवर इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली छोटी छोटी काट लेनी है। आलूओं को बॉईल कर लेना है और चावलों को 2 घंटे के लिए भिगो लेना है। चावलों को ग्राइंड कर लेना है, चावल ऐड करने हैं। चावल ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि चावल अच्छी तरह ग्राइंड हो सकें। याद रहे कि चावलों को अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ये देखिए व्यूअर, हमने चावल अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। एक बोल ले लेना है। सबसे पहले आलू ऐड कर लेने हैं जो हमने बॉईल किए हुए थे और मैश किए हुए हैं। आलू ऐड करने के बाद व्यूअर्स हम ऐड कर लेंगे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली। जो व्यूअर कश्मीरी फूड सीक्रेट्स के चैनल के ऊपर नहीं हैं, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि कश्मीरी फूड चैनल है आपका। यहाँ पे एवरीडे एक रेसिपी आती है ताकि आप लोग सीख सकें। कश्मीरी फूड सीक्रेट्स है आपका चैनल। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम ऐड कर लेंगे जो चावलों का मिक्सचर हमने तैयार किया था। चावलों में योगर्ट 2 टेबलस्पून और पानी ऐड किया था और अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। अब वो हमने ऐड कर लिया। अब हम ऐड करेंगे साल्ट 1/2 टेबलस्पून। साल्ट ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हमने ये ऐड किया है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 15 मिनट छोड़ देंगे और फिर हम ऐड करेंगे बेसन। ये देखिए व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे बेसन और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो व्यूअर्स कश्मीरी फूड सीक्रेट के चैनल के ऊपर न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। हम स्टेप बाई स्टेप इसलिए बताते हैं कि आप लोगों को समझ आ सके। थोड़ा वीडियो लंबी होती है लेकिन हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप सीख सकें। कश्मीरी फूड सीक्रेट का एक ही मकसद है, आप लोग सीख सकें। अब हम लो फ्लेम के ऊपर पकोड़े तैयार कर लेंगे और हम आपको पकोड़े तैयार करके बताएंगे कि कैसे निकले हैं, कैसे बने हैं। ये देखिएगा व्यूअर्स,
नरम और बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े निकलेंगे, इतने मज़े के निकलेंगे। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो चाहे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह आपके लिए रेसिपीज लेकर आते रहेंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, आपके खानों में बरकत दे, आपके रिज़क में बरकत दे, और दुनिया जहाँ की खुशियाँ आपको नसीब हों। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पकोड़े कितने अच्छे निकले हैं, माशाल्लाह देख ले सकते हैं आप कितने अच्छे और सॉफ्ट पकोड़े हैं। ये रेसिपी आपके लिए हमने बनाई है, आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। कश्मीरी फूड सीक्रेट्स को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।